Hi everyone, welcome to our channel anujindal.in. As you must know that RBI Assistant 2023 notification is out and it has come up with 450 vacancies in different regional offices of RBI. Now, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. बट इन टूडेज वीडियो आर एजेंडा इज एनालिसिस ऑफ कट ऑफ ऑफ आरबीआई असिस्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स. तो यहाँ पे मैं आई एम टेकिंग द पास्ट टू ईयर्स एग्जाम, पिछले दो साल के जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ का हम एनालिसिस करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा पीछे जाने की हमको जरूरत नहीं है. बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कट ऑफ किस तरीके से जा रही है और एग्जाम का लेवल और पैटर्न कैसा होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. बिफोर वी स्टार्ट, वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म यू दैट वी हैव ऑल्सो लॉन्च द क्रैश द कंप्लीट कोर्स ऑफ आरबीआई असिस्टेंट. तो प्री प्लस मेन्स कंप्लीट कोर्स, इट इज अवेलेबल करंटली एट 50% डिस्काउंट. एंड इन दिस your complete course, you will get video lessons, you will get downloadable PDFs, you will get doubt clearing sessions, ठीक है, इसके अलावा live current affairs, mock test and their analysis, तो ये सभी कुछ आपको इस पूरे course में मिलेगा. So you can visit our website anujindal.in, there you will find the course and all the details. Apart from that, you can always call to our counselor. The number of the counselor is 9999, so I will just write it down, 9999466225. You can call to our counselor and whatever query you have regarding the exam, regarding the syllabus and all, you can always call to the counselor. Now, first of all, I'll be discussing or analyzing the cutoff of the last year, that was the exam of 2021. Now, exam notification came in 21, but actually the exam was held in 2022. मतलब एग्जाम जो था उसको बोलते हैं असिस्टेंट एग्जाम ऑफ 21, लेकिन एग्जाम वो 2022 में हुआ था, बिकॉज साइकिल थोड़ी सी डिलेड थी ड्यू टू कोविड. तो यहाँ पे आप 2021-2022 एग्जाम बोल सकते हैं. तो अब जैसे यू मस्ट बी अवेयर दैट असिस्टेंट में यू हैव प्रीलिम्स, यू हैव मेंस एंड देन यू हैव लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट. ये तीन स्टेजेस हैं. लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, प्रीलिम्स भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो सिर्फ आपके मेंस के स्कोर्स पे निकलती है. अब प्रीलिम्स की बात करें, सो इन प्रीलिम्स यू हैव थ्री सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज क्वांट्स और मैथ्स, एंड देन यू हैव रीजनिंग एबिलिटी. सो इन इंग्लिश दे विल आस्क यू 30 क्वेश्चंस, ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 35 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग एबिलिटी. और तीनों ही सेक्शंस के लिए आपको 20-20 मिनट्स ईच मिलते हैं, सो देयर इज सेक्शनल टाइमिंग, राइट. सो यू हैव इन टोटल 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, 20-20 मिनट्स ईच. तो सी इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस देयर इज सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो एंड देयर इज ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो, अलग अलग आती हैं दोनों. तो सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं पहले प्रीलिम्स की. तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 11, 12 एंड 12, ठीक है, मतलब 11 फॉर इंग्लिश, 12 फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, 12 फॉर रीजनिंग. दिस इज ओनली सेक्शनल कट ऑफ, द बेयर मिनिमम विच यू नीड टू स्कोर इन ईच ऑफ द सेक्शंस. देन यू हैव द फॉर ओबीसी कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस, यू हैव 9 सेक्शनल कट ऑफ इन इंग्लिश, 11 एंड 12, एंड देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 8, 10 एंड 11. सो ऑब्वियसली द कट ऑफ ऑफ जनरल इज द हाईएस्ट, दैट इज फॉर श्योर. तो ये है आपका प्रीलिम्स का सेक्शनल कट ऑफ. बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू डिस्कस द ओवरऑल कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स, बिकॉज यू हैव टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो इन ऑर्डर टू मूव टू द मेन्स एग्जामिनेशन. उसके बिना आप मेन्स में मूव नहीं कर पाओगे, राइट. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, सो दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट ओनली दिस टेबल. सो एज आई टोल्ड यू दैट आरबीआई असिस्टेंट hires you for different regional offices. So you can see there are these 17 regional offices of RBI जिसके लिए वो hiring कर रहे हैं for the post of assistant. Now for each office different cutoffs are being released. तो जैसे vacancies separate हैं हर office के लिए, cutoff भी separate है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं this is the entire table for different categories, SC, ST, OBC, economically weaker section and general category. अब यहाँ पे जो the important point is that I have just summarized this into a range. इसको मैंने एक range में summarize कर दिया कि जो general की cut off गई थी in 2021-22, it was somewhere between 85 to 91. ठीक है, range है, different states की different
कट ऑफ है, बट एक रेंज है 85 से 91 के बीच में गई थी। सिमिलरली EWS का आप देख सकते हैं 76 टू 88, OBC 78 टू 89। अगेन दिस इज सम पैटर्न दैट द हाईएस्ट कट ऑफ जनरली इज फॉर जनरल कैटेगरी फॉलोड बाय EWS फॉलोड बाय OBC, उससे कम कट ऑफ जाती है SC कैटेगरी और सबसे कम जाती है ST। जनरली ये रहता है PW पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए भी सेपरेट कट ऑफ रहती है, बट वो कैटेगरी वाइज रहती है कि यू हैव विजन डिसेबिलिटी और हियरिंग डिसेबिलिटी, उसके लिए सेपरेट रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये एक रेंज है। अब अगेन यू शुड नॉट गो बाय दिस आइडिया कि जिस स्टेट में कट ऑफ कम है मैं उस स्टेट से अप्लाई करूं। दिस शुड नॉट बी योर मेंटालिटी, दिस शुड नॉट बी योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज नंबर वन इट इज नॉट फिक्स्ड कि अगर 21 में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बेंगलोर की कट ऑफ कम थी तो 23 में भी बेंगलोर की कट ऑफ कम होगी, ये कोई रूल नहीं है गाइस, ठीक है। तो इस परसेप्शन से मत जाना। योर डिसीजन क्राइटेरिया वाइल सिलेक्टिंग अ स्टेट कि कौन सी स्टेट मुझे फिल करनी चाहिए, इट शुड योर डिसीजन क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें ज्यादा है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा द लैंग्वेज, बिकॉज आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना है, सो द लैंग्वेज यू नो यू शुड अप्लाई इन दैट स्टेट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेल वर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, नाउ इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ दिस स्टेट्स, तो अगर आपको हिंदी आती है, इफ यू कैन रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश, तो आप उन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हिंदी एक्सेप्टेबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ ज्यादा हैं। मे बी मैं जिस स्टेट में रहता हूँ क्या वहां पे हिंदी एक्सेप्टेबल है, तो मैं वहां भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो यू कैन देन मेक अ वाइज डिसीजन टेकिंग ऑल द कंसिडरेशंस, ठीक है। तो ये एक आपको यहां से एक आइडिया मिल गया। तो दिस कट ऑफ इट इज आउट ऑफ 100, राइट। प्रीलिम्स मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, 35 रीजनिंग, 35 मैथ, तो 100 मार्क्स। तो यू कैन सी द कट ऑफ इज रियली वेरी हाई, कट ऑफ बहुत ज्यादा है। एंड द रीजन फॉर इट इज बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ आरबीआई असिस्टेंट इज जनरली वेरी वेरी इजी, पेपर काफी इजी रहता है। ऑल्दो आप देखोगे टाइम काफी लिमिटेड है, 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के, 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस करने हैं, बट दोस क्वेश्चंस आर वन लाइनर और टू लाइनर क्वेश्चंस, और काफी क्वेश्चंस में आप शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर आरबीआई असिस्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सबसे आपको थरो तो होना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो नो शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए, यू शुड नो द ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स विल हेल्प यू टू सेव टाइम। बिकॉज सी अगर एग्जाम ईजी ही आता है जैसा कि आ रहा है एक दो सालों से असिस्टेंट का प्री, तो आपको फिर प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आप 90-100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सी अगर एग्जाम ईजी होगा देन इट इज पॉसिबल टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। असिस्टेंट का लेवल अगर ईजी आता है जैसे कि 21 में आया था और जैसे कि 19 में भी आया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ आपको एक आइडिया मिल गया, रफ आइडिया मिल गया कि आपका टारगेट स्कोर क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द कट ऑफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये हमने बात करी है फॉर द ईयर 21-22, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था। अच्छा, ये हमने भी प्री की बात करी है, अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। अभी तो हमने सिर्फ प्री की बात करी है, और प्री जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, बट फाइनल मार्क्स जो आपके काउंट होंगे सिलेक्शन के लिए वो होंगे मेंस के। अब मेंस की बात करते हैं, अगेन मेंस में भी आपका सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं, तो यू हैव 5 सेक्शंस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज योर मैथ्स और क्वांट, देन जनरल अवेयरनेस, and then computer knowledge, and from all the sections 40 questions each are being asked, ठीक है। तो in total कितने हो गए आप देख सकते हो, 40 40 40, so in total 200 questions of 200 marks, this is the pattern of the mains examination। इसके अलावा again there is sectional timing, तो pre में भी sectional timing थी, यहाँ पे भी sectional timing होती है, so you get 30 minutes for reasoning, quant and English each। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपको मिलते हैं 25 मिनट और कंप्यूटर के लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट। तो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए तो सफिशियंट टाइम होता है हमारे पास, इंग्लिश के लिए भी सफिशियंट है समहाउ, बट रीजनिंग और क्वांट के लिए टाइम कम पड़ता है, और इसीलिए हम देखेंगे कि मेंस की कट ऑफ काफी कम जाती है। प्री में आपने देखा 100 में से अगर 90 कट ऑफ जा रही है, 90% कट ऑफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं लेवल काफी आसान होता है, बट मेंस का लेवल काफी हाई होता है एज कंपेयर टू प्री। तो पहले आप ये देख सकते हैं दिस इज
सेक्शनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज. तो अगर आप जनरल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ देखोगे सो इट इज 14 ईच, सेम है फॉर ऑल द सेक्शंस. पांचों ही सेक्शंस के लिए सेक्शनल कट ऑफ है 14. तो 14 मार्क्स आउट ऑफ 40, 14 मार्क्स आउट ऑफ 40, दिस इज लाइक दैट. तो दिस इज द बेयर मिनिमम यू नीड टू स्कोर. ओके, इसके अलावा ओबीसी की 12 ईच और एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं 11 ईच. दैट इज द सेक्शनल कट ऑफ. अब हम आते हैं ओवरऑल कट ऑफ के लिए. सो ओवरऑल मेंस ओवरऑल कट ऑफ ऑफ 21 22, तो अगेन ये भी स्टेट वाइज आती है. तो चाहे प्री की ओवरऑल कट ऑफ हो चाहे मेंस की ओवरऑल कट ऑफ हो, इट इज स्टेट वाइज. ठीक है, बिकॉज आपका सिलेक्शन किसी स्टेट ऑफिस में ही होगा. अब यहां पे भी अगेन देयर इज रेंज, कैटेगरी वाइज रेंज आप देख सकते हो. उस रेंज को मैंने समराइज कर दिया. ये टेबल आप रेफर कर सकते हो, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रेंज आप देख सकते हैं. अगेन जनरल की बात करें तो 105 से 129 डिफरेंट ऑफिस, अलग अलग ऑफिस की अलग अलग कट ऑफ है, बट एक रेंज आपको मिल गई यहाँ से. तो आपको टारगेट स्कोर का थोड़ा आइडिया मिलेगा. तो उसके बाद जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस की रेंज आप देख सकते हो 93 मार्क्स टू 118. सो दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 200 बिकॉज मेन्स जो है आपका 200 मार्क्स का है. पांच सेक्शन 40 ईच, 200 मार्क्स. इस तरीके से ओबीसी एससी एसटी, तो ये आप देख सकते हैं the range of marks. So this will give you an idea of the target score you can target, जो आप अपना target लेके चल सकते हो कि मुझे इतना तो score करना ही है to be on the safer side. तो यहाँ पे for example you can, if you belong to the general category, आप 140 का target, 150 का target तो लेके चलोगे, because cut off can vary, it can go +5 +10 और -5 -10. ठीक है, तो ये हमने देखा है अभी 21 का. 2019 में जो exam हुआ था, बिफोर दिस एग्जाम 2019-2020 वाला जो एग्जाम था, तो कट ऑफ इज ऑलमोस्ट सिमिलर. थोड़ा बहुत आपको फर्क मिलेगा, मैं भी आपको शो भी कर देता हूँ द रिस्पेक्टिव टेबल्स. बट द की टेक अवे इज दैट आपको ये देखना है कि प्री जो है वो काफी स्कोरिंग है, तो प्री में तो हमको काफी अच्छा स्कोर करना है. बट मेन्स जो है वो आपका मेरिट सेक्शन है, और वहां पर बहुत क्रूशल होगा योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड योर नॉलेज. नाउ अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में अगेन प्री की बात करते हैं, तो प्री ऑलमोस्ट सेम है. द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑलमोस्ट द सेम, यू कैन सी. ठीक है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी. और अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, सो अगेन ओवरऑल कट ऑफ में मैं आपको रेंज दे दूंगा यहाँ पे. तो यू हैव अगेन द 17 रीजनल ऑफिसेज, द 5 कैटेगरीज. तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है दैट जनरल कैटेगरी द रेंज इज 87 to 97. तो 2019 में द कट ऑफ वॉज हायर देन द कट ऑफ इन 21. 2019 में कट ऑफ ज्यादा थी 21 से. ठीक है, वन पॉसिबल रीजन कुड बी एग्जाम ईजी था 2019 में, और इजी था एग्जाम. देन यू हैव ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी. तो इस तरीके से रेंज मैंने आपको दे दिया कट ऑफ की आउट ऑफ 100. और अगर हम बात करें मेन्स एग्जामिनेशन की, तो मेन्स की सेक्शनल कट ऑफ इज द सेम जो 21 में थी, वही 2019 में है. द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ द 5 सेक्शंस इन मेन्स. और अगर मैं बात करूं यहां पे मेंस ओवरऑल कट ऑफ की, सो यू कैन सी इट इज 86 to 127. और अगर 21 में जो थी, 21 में जो आपकी रेंज थी, वो भी इट वॉज समवेयर 80s to 129, मतलब कुछ 80-90 समथिंग लोअर लिमिट और ऊपर 129 तक जा रही थी. तो रेंज ऑलमोस्ट सेम है, मतलब द कट ऑफ गोज अप टिल 129 इन सम स्टेट्स, 127-129. सो अ सेफर स्कोर फॉर यू would be 140-150. इतना आप टारगेट लेके चल सकते हैं. ठीक है, सो दैट कुड बी योर सेफ टारगेट स्कोर. सो दैट्स इट गाइस, जो मुझे एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में. बाकी सिलेबस के लिए, एग्जाम पैटर्न के लिए, आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो. सो आई हैव सम आइडियाज इन माई माइंड विच आई फील, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप जिन चीजों में प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे. So उन टॉपिक्स में आई विल बी कमिंग अप विद वीडियोज वेरी वेरी सून. सो आई होप गाइज यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो. बाकी कोर्स की डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है. इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द नोटिफिकेशन, आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर नोटिफिकेशन. तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं ऑन द चैनल. सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन आर हेल्पलाइन नंबर विच आई अर्लियर मेंशनड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, 9999466225. Apart from that, you can visit the website. You can also join the Telegram group, जिसपे बहुत सारा free material हम share करते रहते हैं. And this is our application which you can download. Again, on this application, you will find a lot of relevant free study material, be it daily GK, daily quizzes, topper strategies, past year papers, monthly GK, all of that.
चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।